स्टेट द लॉ एंड राइट द फॉर्मूला कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट करंट को जो जोड़ता है और वोल्टेज को जोड़ता है, तो इसको जोड़ने वाला एक ही है, दैट इज ओम्स लॉ. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा इसका? ओम्स लॉ. ओम्स लॉ कहता है ये वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसी को बना लो. क्या कहता है? वी इज पोटेंशियल डिफरेंस. वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट कीपिंग टेम्परेचर सेम. कीपिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या रहता है? सेम या कॉन्स्टेंट. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू आई आर. ये हमारा ओम्स लॉ हो गया. सेकेंड कह रहा है इन ए हाउस होल्ड फाइव फैन ऑफ दिस दिस दिस. इसको निकालना पड़ेगा, दो मिनट को जरा छोटा कर देते हैं. सेकेंड पार्ट करते हैं, यहां से करते हैं. जो दिया हुआ देखते हैं. कह रहे हैं पांच पंखे हैं हजार वॉट के, तो नहीं आर यूज फॉर. तो फैन अगर मैं बात करूं, तो फैन की अगर मैं पावर निकालू, तो ये 100 वॉट चार घंटे चलाते हैं और पांच पंखे हैं, ठीक है. एंड एन इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन जिसे कहते हैं, 500 वॉट की है, दो घंटे चलती है रोज. बताओ रोज प्रेस होता है इनके घर में, ठीक है. फैन भी बेचारे चार घंटे ही चला रहे हैं, बाहर रहते होंगे. एनीवेज, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग ट्यूबलाइट एंड इलेक्ट्रिक प्रेस फॉर 60 डेज इफ द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट का दे रखा है ₹6.5. ट्यूबलाइट भाई क्या करते हो, ट्यूबलाइट और प्रेस कुछ भी लिख रहे हो यार. एनीवेज निकालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते हैं. तो ये हो गया आपके पास 5, 4, 20 और 3, 2, 0 वॉट आर. ये हो गया आपके पास 5, 2, 10, 2, 0 वॉट आर, ठीक है. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर 60 डेज का निकालना है. तो एक दिन की जो एनर्जी अगर मैं बोलूं, तो अपने पास आई कितनी? 2000 + 1000 कितना आई? 3000 वॉट आर. 60 डेज की एनर्जी अगर मैं पूछूं आपसे, तो ये होगी 3000 × 60, ठीक है. 3000 × 60, तो 6 × 3 = कितना हो गया? 18 पे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 वॉट आर, ठीक है. यहां लिख रहा हूं मैं इसको डिवाइड बाय 1000 करूंगा, क्योंकि यूनिट में करने के लिए. व्हाट इज यूनिट? किलो वॉट आर. तो 1, 2, 3, 4 वॉट आर को डिवाइड बाय 1000 करो, तो ये आ गया आपके पास 180 यूनिट आ गई. और एक यूनिट के वो पैसे दे रहा है कितने? एक यूनिट के दे रहा है वो ₹6.5. 180 यूनिट के कितने लेगा? ये होगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 180. पॉइंट हटा, 10 लगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे. 65 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 18 से, ठीक है. 8, 5, 40 का 0, 4 ऊपर 8, 6, 48 52 × 5, 6, 0, 7, 11 तो ये आ गया 1170. नेक्स्ट क्या?